चलिए कुछ अलग तरीके से समझे कि मेला का बहुवचन शब्द क्या होता है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको मेला के बहुवचन शब्द के बारे में हम अच्छे से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं ताकि आप मेला के बहुवचन शब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और वहीं पर अगर आप मेला के बहुवचन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेला एक एकवचन होता है और मेला का बहुवचन शब्द मेले होगा। यानी दोस्तों मेला का बहुवचन शब्द मेले होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ हो रहे हैं कि मेला का बहुवचन शब्द मेले होगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि मेला किसे कहते हैं। मेला आमतौर पर खास अवसरों पर आयोजित किए जाने वाला मनोरंजन स्थल होता है, जहां पर खाद्य वस्त्र गहनों खिलौनों और अन्य चीजों की बिक्री का व्यापार होता है। मेला कई तरह का हो सकता है, जैसे कि देवी देवताओं का मेला और किसानों का मेला आदि। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि मेला का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए कि मेला एक एकवचन होता है और मेला का बहुवचन शब्द मेले होगा। यानी दोस्तों मेला का बहुवचन शब्द मेले होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए उदाहरणों का उपयोग करें। जैसे कि चंदनपुर गांव में फिर से मेला लगने वाला है, यानी यहाँ पर किसी खास गांव की एक मेले की बात की जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि मेला एक एकवचन होता है और वहीं पर नवरात्रों के समय मेले लगने लगे हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे मेलों की बात की जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि मेले एक बहुवचन शब्द होता है। तो इस तरह से दोस्तों मेला का बहुवचन शब्द मेले होगा और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि मेला का बहुवचन शब्द क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।